सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम करण है एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है दिवाली आने में बस कुछ ही टाइम बाकी है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए उसके लिए कॉन्सेप्ट बना दिया जाए। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली आने में मतलब कि 10 से 15 दिन है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें भी आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और दे दूँ। तो अगर आपको और भी चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए उस टाइप के और मतलब दिवाली स्पेशल आपके लिए मैं और भी कॉन्सेप्ट बना के मतलब ला दूंगा आपके लिए। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आप लोग मेरे को उसमें मेंशन कर सकते हो, मैं उसका भी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए ला दूंगा। तो बाकी का अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा आज की इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसको जो है क्रॉप कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ये इंस्टाग्राम का साइज़ नहीं है जो कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एक बारी। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें जाना है ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद हमें फर्स्ट वाला जो ब्लर इसको लेना है एंड इसका जो ओपोसिटी अराउंड 4 या 5 तक रखना है, 5 तक, ठीक है? फिर इसका डन कर देना है। देन आप जैसे ही इसको डन कर लोगे उसके बाद आप सभी को करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक पिलर का PNG कह सकते हो आप उसको, या मतलब क्या पिलर कह सकते हो, हाँ इसको, ठीक है? तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड जैसे आप इसको ऐड करोगे आपको ये करना है, आपको जो है यहाँ पे इसको ऐड कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप या तो इसको फुल स्क्रीन करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा जो है बड़ा करके भी लगा सकते हो, ठीक है? देन इसको हम इतना, ठीक है? ठीक है, तो आप देख रहे हो ना आप गाइस इतना आपको साइज रखना है। देन आप जैसे इतना कर लोगे आपको ये करना है, उसके बाद आप लोगों को जो है दोबारा जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाके फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे मॉडल को अपने ऐड करोगे तो आपको जो साइज़ वगैरह कुछ इतना रखना है मॉडल का, ठीक है? एंड उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे जो है मतलब कि आपको डन विदाउट डन करे पहले ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको फुल स्क्रीन का रखना है एंड उसको मूव डाउन करके रखना है। देन आपको इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, पीछे आपको जो शेडो क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से, ठीक है? एंड उसके बाद जो ओपोसिटी वगैरह आप कम रख लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में एंड यहाँ से ऐड करना है आप सभी को ये फुल जेडी की PNG, ठीक है? अभी तो आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अभी हम इसमें लगाएंगे PNG भी और भी। तो बाकी आप जैसे इसको यहाँ पे ऐड करोगे आपको सिंपली अपने हैंड पे लगा देना है, उसके बाद इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल करके जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है? एंड जैसे आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर डन करना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से जो है कि फायर का PNG लेना है एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है। देन इसको आपको यहाँ पे लगाना है इसके पास एंड उसके बाद इसका एडजस्टमेंट करनी है आपको थोड़ा, जैसे कि मतलब कॉन्ट्रास्ट जो है इसका आपको इसको थोड़ा सा मतलब दिख रहा होगा तो उसको आपको ऊपर की तरफ कर देना, वो गायब हो जाएगा। देन आपको इसको सिंपली डन कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो है रॉकेट का PNG लेना है जो कि आपको साइड में रखना है इस जगह पे, ठीक है? एंड इस जगह पे आप जैसे इसको रख दोगे आपको यहाँ पे फिर एक शेडो बनानी है, उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है। और आपको सेम चीज़ वही करनी है शेडो बनाने के लिए, आपको मूव डाउन करके रेजर टूल में जाना है। देन आपको नीचे यहाँ पे जैसे शेडो क्रिएट करनी है एंड उसके बाद इसकी ओपोसिटी जहाँ पे कम कर लेनी है, परफेक्ट यहाँ पे, ठीक है? अब इसको डन कर देना है। देन आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से आप सभी को फायर का PNG लेना है एंड इसको लेने के बाद जो आपको ब्लेंडिंग मोड लेना है इसको नॉर्मल कर देना, स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से लगा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रेजर टूल पर जाकर जो भी फेस पे आ रहा है उसको एरिया को हटा देना है, देन कर देना डन। एंड दोबारा ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से लेना आपको स्मोक का PNG एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है एंड फुल स्क्रीन करके आपको नीचे की साइड में इस तरीके से लगा देना है, फिर उसके बाद कर देना डन। अब इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड एक यहाँ पे जो है हैप्पी दिवाली का जो PNG टेक्स्ट PNG आपको उसको लेना है एंड सिंपली इसको जो है लाइटन कर देना है यहाँ पे। एंड आप इसको किसी भी साइड में लगा सकते हो, लेफ्ट राइट जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ लगा देना, ठीक है? देन उसको डन कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको टूल्स में जाना है, फिर एडजस्ट में जाना, फिर ब्राइटनेस बढ़ानी है एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको जो है वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो बनाना है, मतलब डॉजिन बन करना है, ठीक है? अब यहाँ पे गाइस अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो गाइस मतलब कि इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में समझा रखा है कि आप डॉजिन बन जो है कैसे कर सकते हो अपनी फोटो के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे हम इतना कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगी उसको इरेज कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पे डन करते हैं, दोबारा जाएंगे एडजस्टमेंट में, तो क्योंकि अभी हमें और जगह भी करना है तो इन्वर्ट करेंगे एंड ब्रश लेके हमें जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे पेंट करेंगे। तो फेस पे तो हमें करने की जरूरत है नहीं क्योंकि फेस पे पहले से डोजन मैन हो रखा है, तो अब मैं छोड़ देंगे हम बॉडी के ऊपर करके एंड उसके बाद बस यहाँ पे इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी फोटो को सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम में, क्योंकि इसको भी रिटच करके और भी ज़्यादा अमेजिंग बनानी है। तो आपको सबसे पहले लाइट में जाना है, आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज करना है, जो हाइलाइट्स हैं हाइलाइट्स को जो आप यहाँ पे प्लस माइनस की तरफ रख लेना, शेडो को इंक्रीज कर लेना थोड़ा सा एंड ब्लैक को जो है माइनस, फिर व्हाइट को बढ़ा देना एंड उसके बाद चले जाना है कलर्स में।
कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड जो फोटो में टेम्परेचर को थोड़ा कम करना है एंड जाना मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा सा ल्यूमिनस एंड सैचुरेशन प्लस करना है एंड उसके बाद आपको येलो कलर लेना है, इसका ह्यू एंड सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस प्लस करना है, ठीक है। फिर ग्रीन कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस एंड सैचुरेशन प्लस। डार्क ब्लू लेना है, इसका जो ह्यू है थोड़ा माइनस एंड ल्यूमिनस थोड़ा सा प्लस, ठीक है। इतना होने के बाद आपको डन करना है एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन में, फिर आपको हाईलाइट्स में जाना है एंड इसका सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करना है एंड इसको ले जाना है यहाँ पे आप सभी को ग्रीन टोन की तरफ, फिर करना है डन। इतना होने के बाद आपको इफेक्ट में जाना है, आपको थोड़ी क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में हल्का सा पिगमेंट डालना है एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो मिड टोन है इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस की तरफ करना है एंड फीदर को पूरा इंक्रीज कर देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की शार्पनेस कर देनी है एंड गाइस फाइनल आपकी फोटो जो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।